देखो 11 तरीक नूं सानू एक पुलिस स्टेशन सिटी दे विच एक गुमशुदा अपने आर्यन नां दे लड़के की गुमशुदगी की जिहड़ी रिपोर्ट दर्ज की गई सी और साड़ी पुलिस ने इमीडिएटली वो रिपोर्ट दर्ज करके उस तो बाद इश्तिहार शुरू होगा जारी किया सारे संबंधित डिस्ट्रिक्ट दे विच नाल नाल दे हिमाचल दे पुलिस स्टेशन दे विच भी उहदी भाल की गई है और ईवन जिहड़े साडे इंटरस्टेट नाके आ उन्हां उत्थों भी उस चीज़ की जिहड़ी हैगी आ उहदे बारे पता किया गया पर वो कितों भी कोई नहीं पता लगा तो सैकेंड डे सो अपने 11 तरीक नूं मैनू तकरीबन 7:40 पर किसी सीनियर सिटीजन का फोन आया सी इतों हुशियारपुर दे विच एक बड़ा सीरियस मैटर है भी जिसनों भी जिहड़ा बच्चा जिहड़ा साडा कल का गायब है परसों का गायब है सो उसी आधार पर फिर मैं DSP सिटी नूं जिहड़ा इनफॉर्म किया तो ता जो तुसीं इमीडिएटली वो टीम अपनी तैयार करके वो जो लड़का आ रही ना वो घर जाओ घर जाके वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करो कि की मैटर है सारा तो इन्हां ने फिर कल काफ़ी मेहनत मशक्कत के नाल 11 तरीक नूं जिहड़ी हैगी भाल करनी शुरू कर दी भाल करद्या करद्या जिहड़ी हैगी जिहड़ी एक्टिवा सी लड़के दी आर्यन दी वो जिहड़ी कि भंगी चौक विच मिली पाई गई उस तो बाद इन्हों होर सर्च किया तो उतों ही नेड़े ही भंगी चो दे जड़े सर्कड़ा वे लाश मिल गई सी जिस के आधार पर फिर असी सारे ऑफिसर्स जिद चार एक SP तो चार DSP तो चार के करीब SHO और SEI इंचार्ज जोड़े असी और मैं खुद मौके पर पहुँचा सगा तो मौके के हालात जान के देख के भी सारिया टीमों ने वक्र वक्रे एंगल के उत्ते जी हैगी वर्क करना शुरू किया सो सानू जड़ी असी देर रात तक काफ़ी नेड़े इस चीज़ के पहुँच गए सके कातलों की पहचान दे और मैं सानू कल जी हैगी उन्होंने इनफॉर्मेशन मिल गई सी भी ये बंदे सस्पेक्टर ने इन्हों अगर राउंडअप किया जाएगा फड़िया जाएगा तो इन्हों को पुछगिछ करके पता लग सकता है फिर असी कल वो बंदे दो राउंडअप किए उन्होंने इंटेरोगेशन जिहड़े कि दलवीर सिंह ते मनमिंदर सिंह नां दे दो लड़के सिगे जिहड़े कि इहदे स्कूल टाइम तो ही इहदे इहदे नाल सिगा यारी दोस्ती सी ते ओ उन्होंने राउंडअप किया ते फिर राउंडअप करके जदों उन्होंने इंटेरोगेशन हुई उत्तों पाया गया कि असी जिहड़ा हैगा भी इस तरीके नाल जिहड़ा सानू एक एडमिशन करवाउण इहदा मनमिंदर दा इहदा मनमिंदर दा दलवीर सिंह का जिहड़ा हैगा एडमिशन करवाउण गए सी असीं गौरमेंट कॉलेज विच उत्थे जिहड़ा आर्यन है वो उन्हां नूं मिल पिया असीं उत्थों सलाह कीती वी चलो असीं किते बाहर किते खाण पीण जांदे आ खाण पीण जाण वेले जदों एक दुकान ते रुक गया आर्यन ये तीनों जणे ते उत्थे आर्यन कहिंदा वी मैं कड़ा लैणा है जो कड़ा ते नहीं लिया गया पर उत्थे एक खंजर पिया सीगा जो उन्हां दे दस्सण दे मुताबिक हैगा वो मेरे ख्याल 500 रुपए दे विच उस चीज़ नूं इन्हां ने दस्सिया वो खरीदिया वो खरीद के फिर जिहड़ा हैगा जिहड़ा इधर भंगी चौ दे विच आ गया भंगी चौ च आ के उत्थे इन्हां दी कोई पुरानी रंजिश जिहड़ी चलदी सी उहदे ते इन्हां दी गल्लबात हुंदे होए इन्हां दा आपस विच तकरार हो गया तो जो इन्हां दी दस्सिया दोषियां ने भी असीं उन्हां ने साडे ते चाकू का वार करना चाहिया पर असीं उहनूं खोह के उही उहदा चाकू जिहड़ा खंजर सीगा उही उहदे गले विच मार दित्ते तो जिहड़ा मनमिंदर है दलवीर है उन्हें सरदार दलवीर ने अपने जिहड़ा हैगे उहदे जिहड़ा पत्थर दे नाल दलवीर ने मारिया हाँ फिर पत्थर लै के एक वड्डा पत्थर लै के दलवीर ने उहदे सिर विच दो तीन वार कर दित्ते जिहदे नाल उसदी मौके दे उत्ते डैथ हो गई फिर इन्हां ने घड़ीस के उस लाश नूं जिहड़े हैगे सरकड़ियां दे विच छपा के तो आप उत्थों मौके तो फरार हो गए सी सो अजे इन्हां ते असीं गिरफ्तारी पा ली आ इन्हां कोलों होर पुछगिछ की जाएगी ठोस तरीके नाल पुछगिछ की जाएगी अगर होर भी इहदे विच कोई इनवॉल्वमेंट किसी की पाई गई तो कोई भी जिहड़ा गया उहनूं गिरफ्तार किया जाएगा देखो मैं ये नहीं कह सकता भी नशे करन दे आदि आ जां नहीं पर उत्थे जो उन्होंने दोषियों ने दस्या भी उत्थे इन्होंने कोई नशे वाली सिगरट पीती है उस तो बाद इन्होंने तकरारबाजी शुरू हो गई अजे सिर्फ सानू जिहड़े इन्हां दे कपड़े जिन्हां जिहड़े इन्हें चेंज किए उत्थे कपड़े जिन्हां खून नाल लगे हुए लत पासी आर्यन दे वह बरामद किए आ उस तो अलावा पत्थर मिल गया आ उस तो अलावा आर्यन का मोबाइल मिल गया जी
ਇਹਦਾ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਅਜੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮਿੰਦਰ ਕਾਂਟੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਟੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੁੰਗੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੰਜਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਫਰਦਰ ਅਜੇ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।